हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको नेक्स्ट यूनिट, जो आपको इससे पहले पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, जो 8.4 का पार्ट फर्स्ट हम बता चुके हैं। इसमें हम पार्ट सेकंड पर डिस्कशन करेंगे, जो इसमें प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5 से। इससे पिछले वीडियो में हम 4 नंबर तक का जितना क्वेश्चन था, 4 तक क्वेश्चन जो भी था उसको हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन है, देखिए आप इसमें जो है ना, सब जो है 5 नंबर का जितना 10 क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन को 2 पार्ट में हम डिवाइड किए हैं, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड। ये दोनों पार्ट को आप लोग अच्छा से देखिएगा और समझिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो बार बार जो है ना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और इस क्वेश्चन से रिपीट भी करता है, आपको हाईलाइट कर देंगे। जैसे इस 10 क्वेश्चन में हम जो है 2 या 3 क्वेश्चन हाईलाइट करेंगे जो बार बार रिपीट होता है, और अगले बार भी आने की बहुत ही 100% संभावना, यही सब है। यहाँ देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कशन करते हैं। निम्नलिखित सर्व समीकरण, जो भी आपको सर्व समीकरण दिया गया है उसको सिद्ध कीजिए कि वे कौन जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है, यानी कि वे कौन के लिए व्यंजक परिभाषित है या नहीं। आपको यानी कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को प्रूफ करके आपको ये लाना है, ये जो आपको दिया हुआ है इसको प्रूफ करना है। यहाँ देखिए, गिवन में आपको लिख देंगे सबसे पहले आंसर देकर, गिवन जो आपको LHS दिया हुआ, यानी कि LHS को आपको हल करते हुए RHS पुराना है, यानी कि इसको हल करते करते हम बढ़ेंगे आगे, जहाँ हमको हल करते करते ये मिल जाएगा तो वहाँ क्या लिख देंगे आप, बराबर RHS करके प्रूफ कर देना, यानी कि आपको ये जो है साबित करना है, समझ रहे बात को, इसको आपको क्या करना है, साबित करना है। तो LHS बराबर हम जो दिया हुआ था उसको लिख दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो है हम करेंगे कोसेक, यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला का यूज होगा, जो आपको हम पहले पीछे वीडियो में बता भी दिए हैं, इसका थ्योरी भी बता रहे थे उसमें हम बता दिए हैं। और जो है यहाँ पे आप देखिए, जो है जो भी है यहाँ पे कोसेक, जैसे कोसेक थीटा को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा को आप जो है 1/sin थीटा लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिखिएगा, माइनस कॉट थीटा को जो क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को जो है आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए, आपको टेन थीटा का फॉर्मूला यदि हम आपको लिख दें, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा वोटा कॉस थीटा, यानी कि साइड में हम जो है ना फार्मूला लिखते हुए जाएंगे, जिससे आप लोग को समझने में कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। यहाँ देखिए वो जो है वो हो जाएगा आपको कॉट थीटा बराबर क्या होता है, अपोजिट हो जाता है इसका, कॉस का टेन का अपोजिट हो जाता है, ये हो जाएगा आपको कॉस थीटा वोटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये हो जाएगा आपको। तो ये दोनों जो है इसमें फर्स्ट जो हम यूज किए हैं उसका भी लिख देते हैं नीचे, कोसेक थीटा का फॉर्मूला जो आ जाता है आपको, कोसेक थीटा बराबर आ जाता है 1/sin थीटा, ये फार्मूला आता है। तो फार्मूला हम जो है साइड में लिखते हुए जाएंगे, वैसे ही सब फार्मूला जो हम थ्योरी जब बता रहे थे उसमें हम पूरा डिस्क्राइब कर चुके हैं, यानी कि इसको हम बता चुके हैं, इसीलिए आप लोग पिछले वीडियो को भी देखें, और यहाँ भी हम जो है ना साइड में आपको जो है ना ये जो भी फार्मूला यहाँ यूज होगा वो हम बताते हुए चलेंगे। तो यहाँ तक कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम, कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिखा जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिखा जाएगा। अब देखिए इसका क्या है, होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर मतलब हम पीछे अंदर में यदि इसको हल करेंगे, तो इसको यदि हल करते हैं तो ये आ जाएगा आपको साइन थीटा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 - cos थीटा। दोनों का यदि स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों का क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे इसका। इसका यदि हम स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या आता है, इसमें हम यदि इसका स्क्वायर करते हैं तो 1 - cos थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर अलग अलग लिख देते हैं इसको, बट यहाँ हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो हम ये 1 - cos थीटा क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में किसी का यदि आपको स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 - cos थीटा इंटू, देखिए क्या आ जाएगा, 1 - cos थीटा, यानी कि दो बार इसको लिख सकते हैं। बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आपको आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे क्या होता है, यहाँ फिर एक फार्मूला यूज होगा जो हम यहाँ लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला आपको हो जाता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। और इसको देखिए a² - b² के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। और इसको जो एक बार आप और लिखिएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको जो है आप लिखिएगा, यहाँ हम लिख देते हैं एक बार और, यानी कि 1 - cos थीटा इंटू क्या आ जाएगा, 1 - cos थीटा, यानी कि ऊपर वाले को लिखे हैं, बटे में आ जाएगा आपको, इसको दो बार लिखिएगा, 1 - cos थीटा एक बार आएगा और 1 + cos थीटा आएगा, 1 + cos थीटा, यानी कि इसको जो हम लिखे हुए हैं तो a² - b² पर लिखे हैं तो ये कट जाएगा, सॉरी ये नहीं, प्लस वाला आपको नहीं कटेगा, ये जो है आपको ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, बराबर क्या बच गया, 1 - cos थीटा अब बट्टा क्या बच गया, 1 + cos थीटा, यही तो बचा, यही क्या करना था हमको, प्रूफ करना था, ये क्या करना था हमको,
प्रूफ करना है। तो ये हो गया आपको जो हम फर्स्ट क्वेश्चन जो डिस्क्राइब किए उसका जो है यहाँ तक आके प्रूफ हो गया। तो यहाँ प्रूफ होने से पहले यहाँ हम क्या लिख देंगे, प्रूफ के साइड में लिख देना है बराबर आर एच एस। प्रूफ से पहले हम क्या लिख देंगे, ये एल एच एस था, ये हो गया बराबर आपको आर एच एस, ये लिख देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये भी क्वेश्चन आपको वीवीआई आता है, ये भी क्वेश्चन क्या आता है आपको के लिए वीवीआई है, इसीलिए आप लोग इसको आसानी से सीखिएगा। कुछ सिंपल है, यानी सिंपल जो फार्मूला साइड में है वो हम बता दिए हैं, और जो इसका जो है ना रूल होता है वो आपको हम यहाँ डिफाइन कर दिए हैं। तो यहाँ देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो जो आप यहाँ दिख रहा होगा, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करता है, इसीलिए इसको भी सीखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो देखिए आपको क्या कर रहा है। सेम उसी तरीका से ये आपको एल एच एस दिया हुआ, ये आपको क्या दिया हुआ आर एच एस दिया हुआ। तो एल एच एस को हल करते हुए हम क्या पुराना है आर एच एस पुराना है। तो यहाँ जो है आप क्या 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 करना है, यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे हम इसका जो है ना क्या करना है, यदि हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम देखिए लेते हैं, यहाँ पे यदि हम एलसीएम लेंगे तो वन प्लस साइन ए हो जाएगा, वन प्लस साइन ए होगा इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, इंटू कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए इससे यदि इसमें हम भाग देंगे, इससे इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपको क्या कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। प्लस यदि इससे इससे यदि इसमें भाग दिए तो ये कट गया, और इससे देंगे तो ये कटेगा वन प्लस साइन ए, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को जो हम हल करते हुए जाएंगे, यहाँ देखिए जो हल करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो वन हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर है प्लस टू ए बी, तो साइन ए हो जाएगा ना, ये साइन ए बी के जगह आपको क्या दिया हुआ वन है, तो वन से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए हैं, ए के जगह पर यहाँ वन है और बी के जगह पर साइन है, तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू ए बी के जगह यानी कि मान लीजिए बी तो साइन है, ए वन, वन से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए अब आ जाएगा आपको वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए आ गया इंटू क्या आ जाएगा, आप इधर देखिएगा आपको आ जाएगा इंटू ये आ जाएगा आपको क्या कॉस ए, कॉस ए आ गया। अब देखिए ऊपर में आपको कुछ नज़र आ रहा होगा साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को हमें यदि एक जगह ले करेंगे इसका फॉर्मूला यूज करते हैं तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, तो वन हो जाएगा तो वन और वन क्या हो जाएगा टू, और दोनों में से हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, यदि टू कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा सिर्फ हमको जो वन बटा कॉस, कॉमन बटा कॉस को क्या लिख देते हैं से, इधर से टू रह जाएगा। तो अब यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए आपको आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे, आपको वन लिख देना है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ भी फार्मूला जो यूज हुआ हम साइड में लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर पहले लिख दिए वो भी चलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हैं वन जानते हैं, ये फार्मूला आपको यूज हुआ है यहाँ पे, इसीलिए साइड में हम लिख दिए हैं। यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपको वन साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों का मिला के क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, और ये जो है प्लस वन बच गया, और प्लस में टू साइन ए बच गया, क्या बच गया टू साइन ए बच गया है, टू साइन ए बच गया। अब देखिए यहाँ पे जो हम काम करेंगे तो नीचे में जो है क्या हो जाएगा, यहाँ क्या करना है वन प्लस साइन ए है और इंटू में क्या दिया हुआ है, इंटू में आपको दिया हुआ है कॉस ए, ये दोनों को हम लिख देंगे साफ साफ। अब देखिए इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो टू प्लस टू साइन ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू प्लस टू साइन ए, अब बटा है वन प्लस साइन ए इंटू हो जाएगा आपको क्या कॉस ए, ये हो जाएगा इंटू में कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए इधर जो हम करेंगे टू यदि हम कॉमन ले लेते हैं दोनों पार्ट में से तो क्या बचेगा वन प्लस साइन ए बच जाएगा, नीचे में क्या है वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए बच गया और नीचे और क्या बचेगा यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए, हो गया ना। अब देखिए इन दोनों में दोनों कट गया, अब बचा है क्या ऊपर में बचा है आपको, यहाँ देखिए बच गया है टू अब बटा क्या बचा है कॉस ए, इतना ही बचा है, तो अब हम लिख सकते हैं वन बटा कॉस ए, इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई टू, यानी कि वन बटा कॉस ए को क्या लिखते हैं से के ये टू को इधर लिख देते हैं बराबर आर एच एस, यही तो हमको क्या करना था प्रूफ करना था आर एच एस प्रूफ, यही तो आपको क्या करना था प्रूफ करना था, समझ रहे बात को। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो के बाद क्वेश्चन नंबर तीन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन देखिए आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीन जो है आपको देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर तीन आपको कह रहा है जो टेन ये जो आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर तीन देखिए आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीन है आपको जो
ये 1 tan थीटा है और 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर आपको ये प्रूफ करना है। बराबर क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा करना है। संकेत में आपको लिख दिया था व्यंजक को sin थीटा और cos थीटा के पदों में लिखे, व्यंजक को क्या करना है sin थीटा और cos थीटा के रूप में लिख कर उसके बाद आपको क्या करना है प्रूफ करना है। अब tan थीटा को यदि sin बाय cos करेंगे तो ये फार्मूला होता है, आपको tan थीटा का हम फार्मूला बताए थे, sin थीटा और cos थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख देंगे। और उसके बाद देखिए कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। इन दोनों को यदि हम लिख दिए फार्मूला जो होता है वो लिख दिए, नेक्स्ट जो है आपको यहाँ करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख देंगे। 1 माइनस ये जो है टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिखेंगे। अब देखिए हम ऊपर वाले का यदि हम यहाँ पे नीचे वाले का यदि हम एलसीएम लेते हैं 1 माइनस cos थीटा बटा साइन थीटा का यदि हम एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा आ गया। और साइन थीटा को हम यदि 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा, साइन थीटा को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यानी कि नीचे में जो ये टर्म आपको दिख रहा है हम इसको जो है थोड़ा सा हाईलाइट कर दिए हैं, ये जो टर्म का क्या किया है भिन्न का घटव किए हैं, भिन्न का घटव जो है आपको यहाँ पे भिन्न का जोड़ जो है ये सब आपको होते रहेगा इस प्रॉब्लम में, तो थोड़ा जो है आप लोग ध्यान कंसंट्रेट करके देखिएगा जो क्या हो रहा है। अब देखिए ऊपर में जो साइन थीटा बटा कॉस थीटा वो है ही, और यहाँ देखिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा वो ही है ही। इसको बटे में जैसे कॉस थीटा है ये, कॉस थीटा बटा साइन थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या इसको जो है ना थोड़ा शॉर्ट लिखना चाहते हैं जगह की मार्जिन है तो यहाँ जो है ना आप ऐसे लिख सकते हैं, समझ रहे बात को, तो ऐसे भी ये भी बटे का ही साइन है, समझ रहे बात को, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, दोनों के लिए आप सही है, कोई भी गलत नहीं है यहाँ पे। यहाँ देखिए कॉस थीटा नीचे में भी इसका यदि भिन्न का जोड़ करें, भिन्न का घटाव करेंगे तो कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे हम कॉस थीटा आ जाएगा, ये नीचे में आ जाएगा कॉस थीटा। अब इन दोनों को जो हम हल करेंगे तो यहाँ देखिए आ जाएगा आपको साइन थीटा बटा कॉस थीटा ये हो गया। अब नीचे वाले देखिए इसको यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो एक ऑलरेडी क्या है साइन थीटा ऊपर में है और ये जो है मल्टी भाग में है, भाग क्या होता है पलट जाता है ऊपर में जाके क्या हो जाता है गुना हो जाता है, तो ये जो नीचे वाला टर्म है तो ऊपर में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नीचे में जो बचा हुआ टर्म ये कॉस थीटा यहाँ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा था कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम उसी तरीका से इधर यदि हम हल करेंगे इस पार्ट को यदि हम हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा इतना बटे में ये है, क्योंकि भाग में क्या होता है भाग को यदि हम गुना में कन्वर्ट करते हैं, गुना में कन्वर्ट करते हैं तो ये नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा ऊपर में जाके गुना होगा और ये नीचे वाला जो है ये नीचे वाले के साथ जो है इसमें गुना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे सेम तो नीचे में है नहीं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, सेम करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ से माइनस को बाहर कर लेंगे, इन दोनों में से यदि माइनस कॉमन लेंगे हम तो क्या हो जाएगा ये मान पॉजिटिव हो जाएगा ये मान नेगेटिव हो जाएगा, तो और इस माइनस जो हम बाहर करेंगे उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस के साथ, तब प्लस गुना माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, ये बीच में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा इन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव मान आ जाएगा पहले उसके बाद ये हो जाएगा क्या नेगेटिव हो जाएगा, अब माइनस कॉस थीटा कर दिए कि ये जो हम किए हैं इसलिए किए हैं क्योंकि इसको हमको क्या करना था बराबर करना था, क्योंकि बराबर इसलिए किए हैं क्योंकि हमको एलसीएम लेने में कोई परेशानी ना हो। यहाँ देखिए यदि हम सेम रहता है मान लीजिए कोई आपको जो भिन्न का जोड़ दे दिया हो मान लीजिए 4/8 कर दिया तो ये सेम नहीं है तो थोड़ा आपको एलसीएम लेना पड़ता है और दिक्कत की सामना दिक्कत तो नहीं कर सकते जिसको आता है उसके लिए नहीं। अब मान लीजिए सेम रहता मान लीजिए 8/8 रहता तो कोई दिक्कत नहीं तुरंत एलसीएम 8 आ गया, इसीलिए हम इसको सेम कर लिए हैं साइन थीटा और कॉस थीटा तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम और ये जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे कॉस माइनस साइन था इसीलिए माइनस बाहर करके साइन माइनस कॉस कर लिए, समझ रहे बात को, इसीलिए यहाँ पे माइनस क्यों किए हैं उसका पता चल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे बढ़िए इसमें देखिए क्या करना है आपको, अब दोनों का यदि हम क्या करेंगे उसी को यहाँ लिखें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इन दोनों का यदि हम एलसीएम लेते हैं दोनों का यदि हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा दोनों का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों तो मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा यहाँ पे, इन दोनों में कॉमन है तो ये दोनों क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। अब इससे जो हम इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या कर रहा है इससे तो ये कट जाएगा साइन से ये कॉस से ये कॉस कट जाएगा बचेगा क्या साइन थीटा, ऑलरेडी दो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में है एक साइन स्क्वायर साइन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा हो जाएगा
माइनस यहाँ पे जो हम डिवाइड करेंगे इससे इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या करेगा, ये कटेगा और ये कटेगा, बचेगा क्या साइन थीटा, ये साइन थीटा से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या साइन थीटा कटेगा, बचेगा क्या कॉस थीटा, कॉस एक कॉस थीटा बचा है, दो ऑलरेडी ऊपर में है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीन आ जाएगा, यानी कि कॉस का क्यू पावर हो जाएगा। तो अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम यहाँ साइड में लिख दिए हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला होता है, अदर भी फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ देखिए ए माइनस बी, तो ए ए के जगह हमको साइन थीटा है, बी के जगह क्या है कॉस थीटा है, तो ए माइनस बी तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप बीच में क्या करना है ए बी, और ए और बी के जगह क्या है, ए के जगह हमको साइन थीटा है और बी के जगह कॉस थीटा है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमको क्या, ये फार्मूला पर यदि हम अरेंज किए हैं तो यहाँ देखिए हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा इधर क्या साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को यदि हम एक जगह लिखते हैं और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को इधर लिखते हैं तो अब नीचे देखिए क्या आ जाएगा, ये फार्मूला आपको जस्ट अभी हम बताए थे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है वन होता है, तो ये हो गया वन, अब प्लस साइन थीटा इंटू क्या हो गया कॉस थीटा हो गया, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर लिए। अब इधर इसको जो हम अलग अलग करेंगे बटे में या भिन्न के जोड़ के फॉर्म में इसको लिखेंगे तो यहाँ वन बटा इतना लिखेंगे बटा ये जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर देंगे, इसको अलग अलग किए हैं, इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं, यदि इसको हल कीजिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक भिन्न का जोड़ कीजिएगा इसको तो यही आ जाएगा, यानी कि हमको या तो भिन्न के जोड़ के कन्वर्ट कर दिया या इधर से इधर आना चाहिए, तो फॉर्मूला में यहाँ हम क्या किए हैं यहाँ जो है सॉल्यूशन किए हैं वन बटा इतना किए हैं प्लस ये टोटल बटा ये टोटल किए हैं, तो ये आ जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, वन बटा साइन को क्या लिखिएगा कॉस थीटा, वन बटा कॉस को सेक थीटा और इसको काटिएगा तो वन, तो यही आ जाएगा, हमको क्या प्रूफ करना था वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, ये आपको प्रूफ करना था, ये क्वेश्चन नंबर तीन हो गया, तो यही तो आपको क्या करना था प्रूफ करना था यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर तीन हो गया। क्वेश्चन नंबर चार और पांच डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए चार क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर चार है, इसमें दस प्रॉब्लम है, इसको हम दो पार्ट में बांट दिए हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर चार देखिए, क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है वन प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर जो आपको क्या करना है साइन स्क्वायर ए बटा वन माइनस कॉस ए, ये आपको क्या करना था प्रूफ करना था, इसको आपको इसमें लाना है, तो संकेत में आपको लिख दिया है प्रॉब्लम या फिर एनसीईआरटी का बुक देखिएगा तो उसमें आपको लिख दिया है वाम पक्ष, यानी कि आपको जो लेफ्ट साइड और राइट साइड दायां पक्ष को अलग अलग जो है ना सरल करना है, यानी कि इसको अलग इसको हल करते हुए अलग ले जाइए और इसको हल करते हुए अलग ले जाइए, दोनों का यदि इसको हल करते हुए अलग ले जाइएगा आप और इसको जो हल करते हुए अलग ले जाइएगा दोनों का मान यदि बराबर जाता है लिख दीजिएगा एल एच एस बराबर आर एच एस, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे यहाँ जो आपको दिया हुआ है उसको हम शुरू करेंगे एल एच एस से, एल एच एस में जो है उसको हल करेंगे पहले, एल एच एस में देखिए आपको दिया हुआ है वन प्लस सेक ए बटा सेक ए, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, अब यहाँ हम क्या करेंगे वन प्लस सेक ए को क्या लिखते हैं वन बटा कॉस ए, फार्मूला आपको जानते हैं या फिर से हम यहाँ लिख देते हैं सेक ए बराबर होता है वन बटा कॉस ए, यानी कि यहाँ पे कॉस ए जो है ए और थीटा के लिए कन्फ्यूजन मत होइएगा क्योंकि ए है एंगल, यहाँ थीटा भी रह सकता है यहाँ ए भी रह सकता है, यानी कि ए तो एंगल है ये चेंज होते रहता है, बी रहेगा कभी पी रहेगा कभी टी रहेगा, कुछ भी रह सकता है एंगल के फॉर्म में, लेकिन आपको याद रखना है सेक के साथ वन बटा कॉस ए होता है, ए है तो ए होगा थीटा रहेगा तो थीटा होगा, तो वन बटा कॉस ए किए फिर सेक ए को क्या किया वन बटा कॉस ए किया, अब यहाँ पे भी क्या करेंगे हम भिन्न का जोड़ करेंगे वन प्लस वन बटा कॉस ए का क्या हो जाएगा एलसीएम कॉस ए होगा, इसको जो हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस वन होगा बटे में वन प्लस कॉस ए, अब देखिए यहाँ पे फिर भी भिन्न का भाग आ गया, भिन्न का भाग क्या करते हैं जो दिया हुआ है वो लिखते हैं ऊपर में, नीचे को नीचे वाले को जब ऊपर ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई करके ऊपर गुना होता है ना, तो ये हो गया आपको गुना किए हैं तो कॉस ए बटा वन, यहाँ पे हल करेंगे तो कॉस ए कट जाएगा बचेगा क्या कॉस ए प्लस वन, ये हमको एल एच एस को हल किए हैं तो क्या आ गया है कॉस ए प्लस वन, सेम उसी तरीका से हम आर एच एस को हल करेंगे, आर एच एस को यहाँ देखिए हम लिखे हैं आर एच एस को साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए को हम फार्मूला जस्ट अभी ऊपर भी बताए थे अभी जस्ट फिर बता रहे हैं क्योंकि बार बार फार्मूला लिखने से आपको याद हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए आप लिख सकते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख दो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ये तोड़ सकते हैं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये दोनों कट जाएगा बचेगा क्या वन प्लस कॉस ए, तो वन प्लस कॉस ए को क्या लिख सकते हैं कॉस ए प्लस वन, यानी कि आप चार प्लस पाँच लिखिए या वन प्लस फाइव लिखिए या फाइव प्लस वन लिखिए दोनों क्या होगा बराबर होगा, तो हम यहाँ लिख दिए हैं वन प्लस कॉस ए बटा हो जाएगा कॉस ए प्लस वन, तो यहाँ देखिए आपको जो है ना आर एच एस का भी मान वही आया है जो एल एच एस का मान आया था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये हो गया आपको
LHS बराबर RHS, यही तो क्या करना था हमको, प्रूफ करना था दोनों को अलग अलग करके। अब क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 क्योंकि 5 क्वेश्चन इसमें बताए हैं, 5 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कर दिए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो रहेगा आप लोगों को पढ़ने में और आसानी रहेगी और समझने में भी अच्छा से समझिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उसको हम सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। और उससे भी कोई यदि दिक्कत हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8674939143, इस पर भी आप जो है ना कमेंट करके मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर जो है आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, जिस पर हम फुल सॉल्यूशन के साथ आपको सेंड कर देंगे। यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, सर्व समीकरण जो आपको दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके आपको जो है ना क्या करना है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर आपको प्रूफ करना है कॉस ए प्लस कॉट ए, ये आपको इसको हल करके ये आपको लाना है, समझ रहे बात को। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के ओर। यहाँ देखिए पहले LHS जो आपको दिया हुआ है उसको हम पहले लिख देंगे। अब इसको हमको क्या करना है, इस फॉर्मूला का यूज करना है, इस फॉर्मूला यानी कि ये जो सर्व समीकरण आपको दिया हुआ है उसका यूज करना है, उसको उसके द्वारा यानी कि उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। पहले तो या तो कॉस को हम क्या करते हैं कॉट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि कॉट यानी कि कॉस स्क्वायर को आपको क्या करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर में व्यक्त कर देता है। कॉट स्क्वायर को आपको ये सोचना है जो कॉट के कॉट जो है किस में आता है, तो कॉट के बारे में आपको हम बताए हुए थे, जैसे एक जो है टेन के रिलेशन में आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, इसी तरीके से क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा ये आ जाता है कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाता है 1 आ जाता है। तो ये देखिए कोसेक और कॉट में जो है ना रिलेशन दे रहा है, कोसेक और कॉट में दे रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम कॉट या कोसेक में कन्वर्ट करेंगे इसको, कॉट और कोसेक में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो अब यदि हम यहाँ सोचेंगे साइन से भाग देते हैं ऊपर और नीचा, तो साइन से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बटा साइन को क्या लिख देंगे कॉट लिख देंगे, यानी कि हमको क्या कॉट और कोसेक मिलाना है, यानी कि कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट ए, इसका हमको क्या करना है प्रयोग करना है, इसको लागू करके हमको ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना है। तो अब हम यहाँ क्या किए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम क्या करना है, साइन से यहाँ लिख दिए हैं साइन ए से अंश तथा हर में भाग देंगे, जो भी अंश है उसमें भी साइन से भाग देंगे और नीचे में हर में भी साइन से भाग देंगे, तो कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा कॉट ए हो गया। यहाँ मान लीजिए ऊपर में जो है सबको हम साइन से भाग देंगे, तो साइन बटा साइन ए 1 हो जाएगा, 1 बटा साइन क्या हो जाएगा कॉसेक और कॉस बटा साइन कॉट में आ गया, यानी कि जो हमको सर्व समीकरण यूज करने के लिए बोल रहा था उसमें हम क्या कर रहे हैं इसको कन्वर्ट करके तब उसका यूज करेंगे हम, बटा क्या हो जाएगा कॉस बटा साइन कॉट हो गया, साइन बटा साइन आपको 1 आ गया, 1 बटा साइन यानी कि कोसेक आ गया। अब तो हमको कॉस और कॉट में आ गया, कॉस और कॉट में आ गया, तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए को वहाँ एक जगह कर लिए और माइनस 1 जो बचा हुआ था उसको इधर किए, तो माइनस 1 को हम लिख सकते हैं कॉट कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, यहाँ जो ये फार्मूला जस्ट अभी हम लिखे थे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि इसको हम फिर से लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इस 1 को हम क्या लिखे हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि हमको जिसमें कन्वर्ट करना था उसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपको ये हो गया, और नीचे में जो आपको कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा आपको कॉस कॉट ए, ये जो कॉट ए प्लस कॉस ए उधर कर लिया माइनस। अब इसको देखिए हम क्या किए हैं, दो बार लिखे हैं, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़े हैं, क्या किए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़े हैं, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए इन दोनों ये आपको दो पार्ट में मिल गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, दो पार्ट में दोनों पार्ट में देखिए कॉट ए प्लस कॉस ए कॉटे या प्लस कॉटे ये दोनों पार्ट सेम है, तो दोनों में से क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे दो नीचे में सेम है, नीचे में कोई जो है चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ ऊपर में सॉल्यूशन हो रहा है। यहाँ देखिए इन दोनों को यदि हम बाहर करते हैं, इन दोनों में क्या करेंगे हम बाहर कर लेते हैं कॉमन चीज़ जो है, यहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस एक को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा 1, अब माइनस इधर बच जाएगा आपको कॉस एक माइनस कॉटे, इन दोनों में क्या हो जाएगा आपको कॉस एक माइनस कॉटे, इस माइनस से दोनों में गुणा कीजिएगा। अब देखिए इन दोनों को कॉट ए प्लस कॉस एक कॉमन ले लिए तो 1 माइनस क्या बच गया कॉस एक प्लस कॉटे, ये जो है माइनस से गुणा कर दिए। अब इन दोनों को देखिए जो क्या इसमें है कॉमन है, क्या कटने वाला है, यहाँ देखिए आप यदि हल कीजिएगा यहाँ पे आ गया आपको क्या कॉट ए प्लस कोसेक ए, अब माइनस क्या आ गया 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, इन इसको देखिए आप
यहाँ जो आ जाएगा आपको वो ये और ये क्या है सेम है, तो कॉट ए प्लस कॉस एक है, वही तो हमको लाना था, कॉट ए प्लस कॉस एक है, इसको पहले लिख दीजिए कॉस एक वाले को, उसके बाद कॉट को लिख दीजिए यहाँ पे, यही तो हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम चलेंगे, लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखिए, जो भी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। जिस वीडियो में कैसा आपको वीडियो लग रहा है वो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और चैनल पर जो नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग, जुड़े रहे इस चैनल के साथ, और हमेशा खुश रहे तो मुस्कुराते रहिए और पढ़ कर आगे बढ़ते रहिए।